बांग्लादेश के बल्लेबाज का डबल धमा, दोनों पारियों में शतक लगाकर रच दिया इतिहास। बांग्लादेश के एक बल्लेबाज ने अफगानिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शानदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। वह ऐसा करने वाले बांग्लादेश के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। बताएंगे पूरी खबर इस वीडियो में, इससे पहले वीडियो को दिल से एक लाइक करें दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ ढाका के शेर ए बंगला स्टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में बांग्लादेश के बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया है दोस्तों। इस खिलाड़ी ने वो कारनामा कर दिया है जो टेस्ट क्रिकेट में करना कोई आसान बात नहीं है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश के लिए ऐसा करने वाले वह दूसरे खिलाड़ी ही भी बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के उस बल्लेबाज की दोस्तों, जिनका नाम है नजमुल हसन संतो, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शानदार शतक लगाकर डबल धमाल किया है दोस्तों। संतो ने पहली पारी में जहां 146 रनों की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत बांग्लादेश ने 332 रनों का स्कोर खड़ा किया था दोस्तों। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 146 रनों पर ही सिमट गई थी। इसके बाद बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन न खिलाकर दूसरी पारी शुरू कर दी। इसके बाद दूसरी पारी में भी महज 115 गेंदों पर संतो ने शतक लगा दिया। वह बांग्लादेश के लिए दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले देश के दूसरे खिलाड़ी बने। खास बात यह भी रही कि जो पहले खिलाड़ी थे वो उनके साथ क्रीज पर थे, मोमिनुल हक, जिन्होंने 2018 में श्रीलंका के खिलाफ चिटगंग में ऐसा किया था। मोमिनुल ने 176 और 105 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वो मैच ड्रॉ हो गया था दोस्तों। ऐसा है संतो का करियर रिकॉर्ड। नजमुल हसन के टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने 2017 में बांग्लादेश के लिए टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने 23 मैचों में अभी तक 1200 से अधिक रन बनाए हैं और उनका औसत 30 से ऊपर का है। उनका यह टेस्ट करियर में चौथा शतक है। उनका बेस्ट स्कोर 163 रन है। देखना होगा कि इस पारी में वह इसे तोड़ पाते हैं या नहीं। वह बांग्लादेश के मौजूदा समय में अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2018 में वनडे और 2019 में T20 डेब्यू भी किया था। वनडे क्रिकेट में भी उनके नाम एक शतक दर्ज है दोस्तों। बांग्लादेश ने बनाई मजबूत पकड़। अब इस मैच की बात करें तो बांग्लादेश की टीम को पहली पारी के आधार पर 236 रनों की बढ़त मिली थी। इसके बाद दूसरी पारी में तीसरे दिन के लंच तक बांग्लादेश ने 2 विकेट खोकर 255 रन बना लिए थे। संतो 112 और मोमिनुल हक 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। देखना होगा कि कितनी देर में बांग्लादेश की टीम पारी घोषित करती है और अफगानिस्तान को जीत के लिए कितना लक्ष्य मिलता है। दोनों टीमों के बीच यह एकमात्र टेस्ट है। इसके बाद 5 जुलाई से 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू होगी। अंत में 14 और 16 जुलाई को 2 T20 मुकाबले दोनों देशों के बीच खेले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को दिल से एक लाइक करें दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल नरेंद्र के क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दोस्तों आपको दिल से धन्यवाद।